हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बैगन की एक बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ 5 बैंगन और 2 आलू ली हूँ। सबसे पहले इसे काट लेते हैं। तो बैंगन को इस तरह से बीच से काट के इसे लंबा लंबा काटेंगे। ये देखिए मैं कैसे काट रही हूँ। और इसका जो डंठल है उसे नहीं निकालेंगे, डंठल के साथ ही इसे काटना है। और इसे तुरंत पानी में डाल देंगे ताकि बैंगन काले ना पड़े, ये देखिए। और कीड़े भी चेक कर लेंगे, कई बार बैंगन में कीड़े निकल जाते हैं। तो सारे बैंगन ऐसे ही काट के रेडी कर लेंगे। आलू को भी काट लेते हैं। तो आलू को भी बैंगन की तरह लंबा लंबा काटना है, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, सब्जियों को कटने के बाद इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए सब्जियां धुल चुकी हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे और पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लगभग 3 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें 1/2 छोटे चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और मेथी दाना को पहले अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो ब्राउन हो चुका है मेथी दाना। अब इसमें 1/2 छोटे चम्मच सौंफ, 1/2 छोटे चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाल देंगे। तो सौंफ और जीरा अच्छे से तड़क रहा है। अब इसमें आलू डाल देंगे। मिला देंगे इसे। अब इसे हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए पका लेंगे, इसे कवर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आलू के ऊपर कितना अच्छा क्रंची लेयर आ चुका है। इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम लोग बैंगन डाल देंगे और बैंगन को भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे, इसे कवर नहीं करेंगे। तो इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें सूखे मसाले मिला देंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। मिला देंगे सभी मसालों को अच्छे से। बाकी के मसाले हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो कवर कर देते हैं। सब्जियों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैं इसे चलाई भी थी। अब इसमें कुछ और सूखे मसाले मिला देंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, 3 हरी मिर्च को बीच से काट के डाल देंगे। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। एक बड़े साइज का प्याज ले लेंगे, इस तरह से लंबा लंबा और हल्का चौड़ा काटा हुआ, ये देखिए मैं कैसे काटी हूँ। इसे डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो कवर कर देते हैं। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यह सब्जी देखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है। अब इसमें लास्ट में धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और पका लेंगे। तो सब्जी रेडी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1/2 फ्रेश नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारी चटपटी सी अचारी बैंगन मसाला बन के रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। आप इस अचारी बैंगन मसाला की रेसिपी को पराठा, पूरी, चपाती या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।